डॉट टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉट टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी का जनपद रायबरेली बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। प्रवासी पक्षियों पर पूरी नजर रखी जा रही है, लेकिन नॉनवेज बेचने वालों की इसकी परवाह ही नहीं है और ना ही खाने वालों को। शहर के मुर्गा व्यवसायी समीम का कहना है कि उनके व्यापार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि देखा जाए तो जो ग्राहक मुर्गा खरीदने आ रहे हैं उनके ऊपर भी कोई असर नहीं है। ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य महकमे को यह देखना होगा कि यदि बर्ड फ्लू फैल रहा है तो उसके संक्रमण से बचने के लिए नॉनवेज की दुकानों के लिए गाइडलाइन क्या बननी चाहिए। डॉक टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। कब से कारोबार कर रहे हैं ये? 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ये मुर्गा बेच रहे हैं, उसका मांस बेच रहे हैं, तो इस वक्त बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो आपके कारोबार में क्या नुकसान आ रहा है? और कई बार बर्ड फ्लू फैला था तो कैसा नुकसान आपने उठाया है? नुकसान बहुत उठाया है, खाने पर नुकसान हो रहा है, जहाँ बोली नहीं हो रही, बर्ड फ्लू है नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कुछ भी नहीं है? कह सकते हैं, हम इसी में रहते हैं, हम इसी को खाते हैं, यही ब्रॉयलर मुर्गे में रहते हैं, दिन भर हमको तो नहीं बस हुआ। अरे, सरकार भी कहती है एक मानक के अनुसार इसको गर्म किया जाए तो उस पर कोई भी हाँ वो तो मानक के अनुसार गर्म तो किया जाए तो जो है अगर उसमें जहर डाल दिया जाए, अगर वो अगर गर्म किया जाए, गर्म पकाया जाए तो जो है वो जहर भी मर जाता है, तो बस फूल क्या चीज़ है। भैया आपका यहाँ पे क्या लेने आए थे आप? ठीक है। अच्छा, बताइए कि इस वक्त बर्ड फ्लू नाम की महामारी बताई जा रही है? कुछ नहीं नहीं ऐसे कैसे कह सकते कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, हम लोग लेके जाते हैं तो वो जो कोई दिक्कत नहीं आती? कुछ भी ना। अच्छा, इस वक्त जो कुछ महंगा सस्ता हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ बहुत हुआ है। कुछ बहुत हुआ है तो मतलब बीमारी के नाम पर तो खाने को मजे मिल रहा है? कुछ भी नहीं। डॉट टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।